कि कांग्रेस को यूनाइट करने के लिए और कांग्रेस के वर्कर्स से अपील करने के लिए कि हम इकट्ठे हो जाएं, जिसके लिए हमने 5 साल मोदी सरकार को दिए थे, उसकी जो फेलियर है आप सबके सामने है, क्योंकि कांग्रेस जो है अब एकजुट होकर सेंटर के अंदर अंडर दी डायनामिक लीडरशिप श्री राहुल गांधी जी की क्यादत में पूरे हिंदुस्तान में यूनाइट है, और आने वाली सरकार जो है हिंदुस्तान में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे, उनकी सरकार होगी, कांग्रेस की सरकार होगी। ये आपको आज से हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर आपने जो देखा मोदी सरकार और बीजेपी ने जिस तरह से विश्वासघात किया है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो आज डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है असेंबली इलेक्शन ना करवाते हुए, क्योंकि बीजेपी जानती है, डरती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी नहीं आ सकती है, इसलिए उन्होंने असेंबली इलेक्शन रोक दी है, इग्नोर किया है, लोगों को विश्वासघात किया लोगों के साथ, ये असेंबली इलेक्शन नहीं करवा पाए। पीछे आप पार्लियामेंट के 1 सीट पे इलेक्शन नहीं करवा पाए, अब जो पार्लियामेंट की जो 6 की 6 सीटें हैं, हमारी जो हाईकमान का फैसला होगा उसके साथ हम मिलके कांग्रेस के झोले में डालेंगे या लाइंस में डालेंगे। जितेंद्र सिंह का यहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं ना, जितेंद्र सिंह का जो जवाब है वो कठुआ दुमपर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जागरूक मादा था। 5 साल से जो इग्नोरेंस हुई है, 5 साल से जो उनकी नालायकी रही है, 5 साल से वो जो नदारद रहे हैं, अब वो इस सब चीज़ों का जवाब जनता मांगेगी, और जनता से जब वो वोट मांगने के लिए आएंगे, अब उनके सवालों के दिन लद गए हैं, अब उनके जवाब के दिन हैं। जनता जवाब चाहती है, और कांग्रेस पार्टी जिस एकजुटता के साथ आप सब यहाँ पे देख रहे हैं, तो आज से ही, आज पहला दिन है, और इसी पहले दिन के माध्यम से हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो दायरे हैं उनको भी एक तरफ से चेताना चाहते हैं कि बहुत गुणगान हो चुका भारतीय जनता पार्टी का, अब जंग शुरू है, अब चुनावी हम इसमें पड़ चुके हैं, और आज के बाद कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी सरकारी संस्था, कोई भी सरकारी ऑफिसर, कोई भी कठुआ ना बने, कोई भारतीय जनता पार्टी का ना तो पिट्ठू बने, ना ही उनका पीछे लघू बने, और ना ही कोई ऐसा कार्य करे कि जिसके लिए, क्योंकि सारे मुलाजिम हमारे अपने हैं, हमारे इस रियासत के मुलाजिम हैं, यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन चुनाव में किसी की कोई मजबूरी नहीं है। हम सबको कहना चाहते हैं कि फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों को वोट डालने दिया जाए, लोगों को गुमराह करने दी जाइए। लोग आजकल बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, लोग मतदाता बहुत जागरूक है, और कांग्रेस पार्टी जिसने 5 साल से जैसे राहुल जी जमीन में काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर साहब के नेतृत्व ने जो कांग्रेस के वर्करों ने जो एकजुटता दिखाई है, जो आपस में तालमेल दिखाया है, आज उसका रिजल्ट देने का दिन है। हम सब लोग मिलजुल कर चलेंगे।